नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद जनक में। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल ढोकले। दाल ढोकले हम सिंधी स्टाइल में बनाने जा रहे हैं। ये इतनी टेस्टी और इतनी डिलीशियस रेसिपी है कि जब भी आप इसका एक बाइट खाएंगे तो हर बाइट में आप कहेंगे वाह क्या स्वाद है। तो चलिए जान लेते हैं ये दाल ढोकले कैसे बनाए जाते हैं सिंधी स्पेशल। दाल ढोकले बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ले ली है एक कटोरी के करीब। यहाँ पर मैंने तुअर दाल ले ली है हाफ कटोरी करीब। दो टमाटर है मीडियम साइज के, इनकी मैंने प्यूरी बना ली थी मिक्सी में। इसके अलावा ये यहाँ पर दो मीडियम साइज की हरी मिर्च है और ये हमारी लहसुन है, 6 से 7 लहसुन है जिसको मैंने इस तरीके से बारीक पीस लिया है। ये यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज है, इसको भी मैंने मिक्सी में बारीक पीस लिया है। ये हमारे कुछ मसाले हैं, ये नमक है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और ये हींग है। इसके अलावा ये यहाँ पर हरा धनिया है पिसा हुआ, ये यहाँ पर हींग है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ हैं और अदरक का टुकड़ा है छोटा सा जिसका मैंने मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। ये यहाँ पर जीरा है, ये भी यूज़ में आने वाला है। ये जो मैंने दाल आप बताई वो दाल मैंने पहले से भिगो कर रखी थी, तो मैंने करीबन आधा घंटा पहले दाल भिगोई है। तो देखिए किस तरीके से दाल हमारी फूल गई है बिल्कुल। तो ये दाल हमारी दाल ढोकले बनाने में यूज में आने वाली है। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, ये इस टाइप की 1.5 कटोरी के करीब ये गेहूं का आटा है, इसके हम ढोकले बनाएंगे। ये चिली फ्लेक्स है, ये भी हमारी यूज में आने वाली है। मैंने कुकर ले लिया है, जो मेरी दाल मैंने भिगोई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है और 2 ग्लास करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे और 1/4 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। डालने के बाद अब इसको हम 4 से 5 सीटियां लगाएंगे दाल को, ताकि जो दाल है वो हमारी गल जाए। तो चलिए पहले दाल को सीटी लगा लेते हैं। जब तक हमारी दाल पक रही है तो चलिए जब तक हम ढोकले तैयार कर लेते हैं। तो जो मेरा आटा था वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ बर्तन के अंदर, और जो मेरी हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। जो मैंने लहसुन काट के रखी थी बारीक पीस के रखी थी वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम इसका जो है डो तैयार कर लेते हैं। तो हम पानी से जो है इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो हम धीरे धीरे इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो रहा है, हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। देखिए किस तरीके से हमारा जो आटा है सारा वो इकट्ठा हो गया है। देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है। आटा मैंने नरम लगाया है, टाइट आटा नहीं लगाया है, क्योंकि ढोकले खाने में नरम होने चाहिए, तो ये मैंने नरम आटा लगाया है। अब हम थोड़ा सा हाथों में तेल इस तरीके से लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे। अब इसके हम छोटे छोटे जो है ढोकले तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको तोड़ेंगे और इस तरीके से इसको जो है हम गोल गोल बेल के और इसको इस तरीके से हाथों की मदद से चपटा कर लेंगे। तो सारे हम इस तरीके से छोटे छोटे ढोकले बना लेंगे। आपको चाहे आप अगर तो बड़ा बना सकते हैं, मुझे छोटे पसंद है तो मैं छोटे बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा चपटा कर लेंगे गोल बना के। तो इस तरीके से जो है हम सारे ढोकले तैयार कर लेते हैं। देखिए मैंने सारे ढोकले किस तरीके से तैयार कर लिए हैं, सभी एक ही साइज के हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ढक्कन लगाकर हम थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे साइड में। फ्रेंड्स दाल को हमने सीटी लगा ली है, तो देखिए दाल हमारी गल चुकी है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है फिर से और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है,
अब मैं इसके अंदर 1/4 टेबल स्पून हींग डाल रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। अब इसे घुमा लेते हैं। जीरा और हींग हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने प्याज रखा था एक मीडियम साइज का मिक्सी में पीसा हुआ, वो इसके अंदर डाल देते हैं। तो हम तब तक भुनेंगे जब तक कि प्याज हमारा हल्का ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। प्याज हमारा जो है हल्का ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने रखा था वो डाल देंगे। अब डालने के बाद इसे घुमा लेते हैं। इसे 1 मिनट तक चला लेंगे हम। लहसुन भी हमारा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम जो हमने टमाटर की प्यूरी रखी थी वो डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम हमारे मसाले डालेंगे। तो 1/2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब इसे घुमा लेते हैं। अब घुमाने के बाद इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो तेल है वो सेपरेट नहीं हो जाता है। तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, तेल हमारा सेपरेट हो गया है। अब जो हमारी दाल थी वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब दाल डालने के बाद मैं इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसे घुमा लेते हैं अच्छे से। अब इसको घुमाने के बाद हम इसमें 2 उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें 2 उबाल आएंगे उसके बाद हम इसके अंदर ढोकले डालेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी दाल में उबाल आ गया है। तो गैस की फ्लेम मैं लो कर लेती हूँ। अब जो हमारे हमने ढोकले तैयार किए थे वो इसके अंदर डाल देते हैं एक एक करके। तो हमारे सारे ढोकले हम एक एक करके इसके अंदर डाल देते हैं। धीरे धीरे डालेंगे ताकि ये दाल इसमें डालने से उछले ना। तो ये हमारे सारे ढोकले जो है हम डाल दिए। अब इसे घुमा लेते हैं। अब इसमें फिर से 1 उबाल आने देंगे हम। और 1 उबाल आने देने के बाद हम इसको ढक्कन लगाकर 1 सीटी लगाएंगे। तो 1 उबाल आने देते हैं। जी देखिए इसमें भी उबाल आ गया है। अब इसे हम ढक्कन लगाकर 1 सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसको सीटी लगा ली है। अब ये बिल्कुल बनकर तैयार है। बस इसमें तड़का लगाना बाकी है। तो चलिए अब तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तड़का पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल। गैस ऑन कर देते हैं। हमारा गरम हो गया है। 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, 1/4 टेबल स्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब ये जैसे ही हो जाएगा हम इसको फटाफट दाल में डाल देते हैं। जी हम तड़के को अब दाल में डाल देते हैं। फटाफट से ढक्कन बंद कर देते हैं ताकि तड़के की खुशबू जो है वो दाल में आसानी से मिक्स हो जाए। तो अब हमारा दाल ढोकले जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसे सर्विंग बोल में डाल लेते हैं। हमारे सिंधी स्पेशल दाल ढोकले बिल्कुल रेडी है। तो चलिए देर किस बात की, खाने चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।